Assalamualaikum. आज हम आपको एवरीडे मसाला कुकिंग में सिंधी फ्राइड फिश बनाने की रेसिपी बताएंगे. फिश है हमारे पास, आप देख सकते हैं ये है बोनलेस फिश है, इसको आप फिंगर फिश कह दें. 300 grams. लेमन, 2 lemons का हमने जूस निकाला हुआ है, इट इज़ अराउंड 2 tablespoons. जिंजर एंड गार्लिक 1 tablespoon. चने का आटा, बेसन है हमारे पास 6 tablespoon. मेथी है 2 tablespoon, इसको सूखी मेथी कहते हैं, आराम से मिल जाती है मार्केट में. और जो ड्राई स्पाइसेस हैं उनमें है सॉल्ट, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, टर्मरिक पाउडर 1 teaspoon, चिली वेफर्स 1 teaspoon, अजवाइन है हमारे पास फिश के लिए बड़ा अच्छा बन रहता है ये 1 teaspoon. फिर है साबुत धनिया, इसको आप रोस्ट कर लें तो ये इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है 1 tablespoon. और रोस्टेड ज़ीरा है हमारे पास 1 tablespoon. इसके अलावा हमारे पास है ऑलिव ऑयल, ये हम लेंगे 2 tablespoon. अब हम इसको मैरिनेट करना शुरू करेंगे फिश को. कढ़ाई को हीट अप करेंगे, और अक्सर ऐसा होता है कि मसाला फिश के ऊपर से फट जाता है, तो आप जो भी बोल में चिपका हुआ मसाला है बेसन का, इसको दोबारा से आप रिकवर करें ताकि मसाला अच्छी तरह से फिश को फ्राई करने के लिए तकरीबन हम 2 cups ऑयल कढ़ाई में डाल के उसको अच्छी तरह गर्म होने के लिए छोड़ देंगे. हो चुका है, अब हम फिश को अच्छी तरह बेसन से कवर करते हुए कढ़ाई में डालेंगे. याद रहे ये हमारी साइमन फिश है, इट इज लाइक फिंगर फिश, इसमें कांटे कोई नहीं होते, इट इज जस्ट बोनलेस. हमने इसको 30 मिनट्स तक मैरिनेट करके रखा था. जैसे ही आपको लगे कि फ़िश गोल्डन ब्राउन हो गई है और इसमें कुछ पानी नहीं नज़र आ रहा, आप इसको उबाल दें.